टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू, जिसमें एक 10 साल का बड़ा लीप आने वाला है, लेकिन इसी के साथ औरा भटनागर के फैंस के लिए एक बुरी खबर है कि अब औरा भटनागर जो कि अब इस टीवी शो में नहीं दिखने वाली हैं। हम आपको बताते हैं कि औरा भटनागर को रिप्लेस किया है एक टीवी एक्ट्रेस ने जिनका नाम है आंचल साहू। अब हम आपको बताते हैं जहाँ पर मेकर्स काफ़ी टेंशन में थे कि आखिरकार उन्हें एक्ट्रेस नहीं मिल रही जो कि ग्रोन अप बॉन्दिता के रोल को प्ले करे, ना बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो। अब आपको बताते हैं कि जिसमें आंचल साहू जो है वो फिट बैठ चुकी हैं इस रोल के लिए, और उन्होंने इस पर कुछ कहा है कि आखिरकार सोशल मीडिया पर जो ट्रॉलिंग जो चलने वाली है, क्योंकि उनका कहना है कि अब कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्दिता के रोल के लिए जहां औरा भटनागर जो है जिनकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग है और पहले से ही जो फैंस है वो कह रहे हैं कि अब वो इस टीवी शो को नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी फेवरेट औरा भटनागर इस टीवी शो में नहीं होंगी। लेकिन अब आपको बता दें जिस पर कुछ कहा है आंचल साहू ने, वो कहती हैं, आफ्टर आई वॉज फाइनलाइज फॉर द रोल आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ नेम्स वर देवर देयर टू प्ले द ग्रोन अप बॉन्दिता। बिफोर दैट आई वॉज नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द न्यूज रिलेटेड टू द शो एंड द लीक। तो उन्होंने बताया कि जब मेरा रोल फाइनलाइज हो चुका था, जिसके बाद मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे नाम जो कि सामने आए थे ग्रोन अप बॉन्दिता के लिए, और उससे पहले मैं इस ट्रैक में नहीं थी, इस न्यूज़ में नहीं थी शो को लेकर और इस शो में जो लीप आने वाला है उसको लेकर। उन्होंने आगे रिवील किया कि आई नो कंपेरिजन्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई एम रेडी टू ऑनलाइन ट्रोल्स ऑल्सो, बट आई जस्ट होप पीपल डोंट क्रॉस देयर लाइन वाइल कंपेयरिंग मी और ट्रोलिंग मी ऑनलाइन। तो उन्होंने बता दिया कि अब उन्हें पता है कि ट्रॉलिंग शुरू होने वाली है, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, कंपैरिजन्स शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है लेकिन लोग अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस ना करें ट्रॉलिंग करने में। उन्होंने बताया कि आई एम फाइन इफ द कंपैरिजन्स हैपन बट आई जस्ट होप दैट माई फैमिली इज नेवर ट्रैक्ड इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रॉलिंग। उन्होंने ये बात भी रिवील कर दी कि उनकी फैमिली तक जो ट्रॉलिंग है ना पहुँचे, और कंपैरिजन्स होते रहते हैं जिसके लिए वो उनको कोई इशू नहीं है लेकिन फैमिली तक ट्रॉलिंग ना पहुंच पाए। अब आपको बता दें कि उनकी उम्र 16 साल की है, और आंचल जिन्होंने कहा है कि वो अपनी वैक्सीनेशन का वेट कर रही हैं कि उनको वैक्सीनेशन लग जाए जिसके बाद वो टेंशन फ्री होकर शूट शुरू कर दें। उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम नॉट येट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन एंड आई एम स्केर्ड ऑफ दिस पैंडमिक, सो एज ऑफ नाउ दो आई विल बी शूटिंग फॉर 2 शोज बोथ इन बायोबबल फॉर्मेट। कि अभी उनकी उम्र नहीं हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए, 16 साल की उनकी उम्र है, और उन्होंने बताया कि अभी तक वो एलिजिबल नहीं है वैक्सीनेशन के लिए और डरती हैं इस पैंडमिक से। और उन्होंने बताया कि वो 2 TV shows की शूटिंग को शुरू करने वाली हैं जो कि बायो बबल फॉर्मेट में होंगे, और मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी। और अब देखना बाकी है कि आखिरकार आंचल साहू को बॉन्दिता के रोल के लिए लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, क्या आंचल साहू भी औरा भटनागर की तरह बॉन्दिता के रोल में वो कमाल कर पाएंगी, और क्या फैंस उन्हें पसंद करेंगे। कैसा लगा आपको और क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।